भैया माइक उठाए, कहाँ से आए हो? जयपुर से। बोलो क्या क्या पूछना चाहते हैं? नाम क्या आपका? रघुराज सिंह। रघुराज सिंह, क्या पूछना चाहते हैं? प्रभु तीन क्वेश्चन है मेरे। हम नहीं पता कि तीन है कि दो, हमने जो जितना बना उतना लिखा। आप बताओ क्या क्या पूछना चाहते हैं? पहले तो मेरे पिताजी पे एक केस चल रहा है, हाँ। पैसे देने के बाद भी क्या नाम पता का? अशोक सिंह चौहान आए हो। आपने किसी को बताया तो नहीं? हमने कहा अशोक कुमार का केस 101% पक्ष में होगा। वाह रघुराज जी, घर में सुख शांति होगी, आज दिनांक से ही आर्थिक लाभ होगा, तरक्की होगी, आपके घर में जिन्न का चक्कर है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। जय हो। आपके पिताजी आए हैं साथ में, बुलाओ उनको। केस में क्या हो गया? इनके भांजा था, पैसे दे भी दिए हमने मालिक पूरे, घर पे लेके आया मैं, तो भी हम चेक का केस लगा रखा है। आज चेक का केस लगा रखा है, 10 साल से परेशान हो रहे हैं और बोलते हैं जेल कराऊंगा और कुछ नहीं करना, या फिर मेरे को दोबारा 18 लाख, कभी 36 लाख, कभी कभी मांगता है। पिताजी तो कई बार बोलते हैं सुसाइड कर लूं। रघुराज जी, आर्थिक लाभ होगा, तंत्र क्रिया है आपके यहाँ और जिंद का चक्कर है, और ये 20 जून 2025 तक समाधान हो जाएगा। इस मंत्र को 108 बार करें, आशीर्वाद है। मैं करूं मंत्र? जी, पकड़ना नहीं है, पढ़ना है। पढ़ने में नहीं आए तो जरूर टोकना है। बोलिए श्री पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। भैया जो आप पे परेशान कर रहे हैं वो आपके रिश्तेदार हैं, स्वयं आपके भांजे हैं जी। और 18,50,000 का प्रकरण उनने लगाया है। आपके 5 चेक उनके पास रखे हैं, जिसमें 2 चेक वापसी हुए हैं, 3 चेक उनके पास हैं। समाधान हो जाएगा, आशीर्वाद है। एक और मेरे बुआ जी बहुत बीमार हैं, उनको लेके आइए। पहले पंडोखर धाम पहुंचो, खड़े हो। भैया जी कहाँ से आए? माइक उठाइए। लाल शॉट से, बोलो क्या पूछना चाहते हैं? महाराज जी, मेरे भांजे का एक्सीडेंट हो गया था 5-6 साल पहले, बच्ची के बच्चा है। क्या नाम उसका? भांजे का नाम है घर में देवकी। देवकी भांजी है, भांजा है। एक्सीडेंट हो गया था, चल नहीं रहा। हमने तो ये लिखा है और बच्ची का बच्चा नहीं है। हमने तो ये लिखा, जितना जो लिखा सुने साहब। आपकी पुत्री का नाम क्या है? सुरभि। सुरभि, आपने बताया तो नहीं? हमने कलम तो नहीं चलाई। ये लिखा सुरभि देवी के पुत्र होगा। 15 नवंबर 2025 में गर्भधारण एवं पुत्र मनोकामना पूरी होगी। वह भांजे का फ्रैक्चर शरीर विकलांग ठीक होगा, आशीर्वाद है। पंडोखर धाम 5वां सत्र। आपने देखा होगा हमारे यहाँ दरबार में पर्चा ऐसे दिखाया जाता है, ये दुनिया का कोई दरबार नहीं दिखाता है ऐसा। ये पंडोखर सगा का दरबार ही है जो दरबार में ऐसे दफ्ती उल्टी कर दी जाती है। और जाओ सुरभि के बच्चा 100% होगा, आशीर्वाद है। जबल पंडोखर सरकार की जय। सुरभि देवी कहाँ है पुत्री? उसके पति का नाम क्या है? आपके यहाँ नाम दिया नहीं जाता क्या? क्योंकि इसमें रमाकांत नाम आया है। और जाओ बालक होगा, 5 अमावस्या करो, शरीर फ्रैक्चर जो है वो भी ठीक हो जाएगा, उसको लेके आओ। इस मंत्र को 108 बार करो, हनुमान जी कृपा से चकाचक सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। बोलिए पंडोखर सरकार की, सतगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। जय जय श्री राम। ले जाइए।